हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाले जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा एक नफा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। वह कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़ की पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आजमगढ़ श्री के गुप्ता के कुशल नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी तथा चेकिंग की जा रही थी। केक मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक कमल नैन दुबे, चौकी प्रभारी बलरामपुर मैं हमरा कर्मचारी कर द्वारा आज दिनांक 2 जुलाई 2021 को जुनैदगंज चौराहे के पास से अभियुक्त शरीफ खान उर्फ मुस्किन पुत्र अफान उर्फ नन्हू निवासी अनजान शहीद थाना जियनपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण पता शरीफ खान उर्फ मुस्किन पुत्र अफान उर्फ नन्हू निवासी अनजान शहीद थाना जियनपुर आजमगढ़। पूछताछ का विवरण अभियुक्त शरीफ उर्फ मुस्किन पूछताछ से बता रहा है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद से मेरा पिता मुझे मारता पीटता था। इसी कारण मैं घर से मुंबई भाग गया। तब मैं करीब 8 या 10 साल का था। उसके बाद से मैं अब तक लगातार चोरी करता हूँ। मुझे चोरी की लत लग गई है। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी चोरी की होगी। चोरी में कई बार मैं जेल भी जा चुका हूँ। मैंने कई बार सोचा कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन खुद को चोरी करने से रोक नहीं पाता। बचपन से लेकर अब तक मैंने चोरी ही किया है। मैं मुंबई में चोरी करता हूँ। चोरी के पैसे को घर लेकर आता और मौज मस्ती में खर्च कर देता हूँ। चोरी की घटना में अकेले अंजाम देता हूँ। उसी में अगर कोई चोरी करते समय जाग जाता है, उसे तमंचा दिखाकर शांत करवा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आज आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। पंजीकृत अभियोग मुआवजे संख्या 197/21 धारा 325 आयुक्त अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़ अभियुक्त शरीफ खान उर्फ मुस्किन का आपराधिक इतिहास 1417/138-20 NDPS एक्ट जियनपुर 2262/13379-411 बिलरियागंज 3253/13379-411 बिलरियागंज 4237/123-25 आयुध अधिनियम थाना जियनपुर 5448/103-25 आयुध अधिनियम बढ़लगंज गोरखपुर 1041/411-413-414 भादवी बढ़लगंज गोरखपुर 7197/213-25 आयुध अधिनियम कोतवाली आजमगढ़ बरामद की एक अदद तमंचा 315 बोर मैं एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर। गिरफ्तार करने वाली टीम उप निरीक्षक कमल नैन दुबे, चौकी प्रभारी बलरामपुर, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव थाना कोतवाली, कांस्टेबल अरुण पांडे थाना कोतवाली, कांस्टेबल सोनू यादव थाना कोतवाली, कांस्टेबल रंजीत कुमार थाना कोतवाली। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी।